मैंने एक ट्यूबलाइट लगा दी है एंड दोनों साइड में एक एक बल्ब लगा दिया है। अब इसमें आपको सिर्फ दो ऑप्शन का यूज करना है एंड वो दो ऑप्शन कौन सा होगा, अब मैं इसमें देखो फिल्टर यूज कर रहा हूँ, जो फिल्टर मैं यूज कर रहा हूँ आप भी उस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने इसको कोई भी एडिट नहीं किया है, लेकिन अगर मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो को एडिट कर दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ दोनों वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, डिफरेंट देख सकते हैं कि मैंने वीडियो को नहीं एडिट किया था कैसा दिख रहा है एंड वीडियो को एडिट करने के बाद मेरा वीडियो कैसा दिख रहा है। तो आज की दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ ना कि अगर मान लो कि आप एक नॉर्मल फोन से मेरी तरह वीडियो को आप एडिट करते हैं, टाइम मास्टर का यूज करते हैं, तो आखिर वीडियो एडिट करते समय आपको किस फिल्टर का यूज करना चाहिए, यानी किस फिल्टर का यूज करके आप अपने एक नॉर्मल से वीडियो को ना काफी ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि मैंने वीडियो को नहीं एडिट किया था कैसा दिख रहा है एंड एडिट कर देने के बाद मेरा वीडियो कैसा दिख रहा है आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, आज की इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ कि अगर एक आप नॉर्मल सा फोन से ना अपने वीडियो को एडिट करके कैसे एक प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं एंड साथ में मैं आपको काइनमेटर से अगर आप वीडियो को एडिट करते हैं तो आपको 2 से 3 ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ ना जिसको अगर आप वीडियो एडिटिंग के समय यूज करेंगे ना तो आप एक नॉर्मल से वीडियो को ना काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब उसके पहले आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने फोन से वीडियो को एडिट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कि जब वीडियो एडिट करें ना तो वीडियो एडिट करने से पहले वीडियो शूट करते समय आपको अपने वीडियो को ना एक प्रोफेशनल तरीके से शूट करना है, यानी कि जो भी आपका लाइटिंग सेटअप हो ना उस मतलब एक अच्छा सा लाइटिंग सेटअप करना है। देखो मैं अपना बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं मैंने एक ट्यूबलाइट लगा दी है एंड दोनों साइड में एक एक बल्ब लगा दिया है। अब इससे क्या होता है कि जो भी लाइट होता है ना मेरे चेहरे पर एकदम बराबर आता है एंड यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से दिखाई देता है, पीछे में कोई भी शैडो नहीं बनता है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको एक वीडियो को शूट कर लेना है। अब वीडियो को एडिट कैसे करना है, चलो मैं अब चलता हूँ काइनमास्टर में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने काइनमास्टर को ओपन कर लिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ से सबसे पहले मैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस वीडियो को मुझे एडिट करना है। देखो मैं अपना कैमरे वाले में आ जाता हूँ एंड मुझे इस वीडियो को एडिट करना है, मैं इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक ना। अब दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले अब जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ना इस तरीके से आप भी अपने नॉर्मल फोन से ना एक काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए अब क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो को ले लिया। अब सबसे पहला पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि इस वीडियो में जिस वीडियो को आपने शूट किया है अगर आपका उसमें वॉइस कम आ रहा है, यानी कि साउंड क्वालिटी जो है ना आपका साउंड थोड़ा कम आ रहा है, तो इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है मिक्सर का, इस पर क्लिक करके 200% कर सकते हैं, मैं 200% कर दिया। अब देखिए जब भी आप 200% करेंगे तो सबसे पहले आप वॉइस को सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका वॉइस फट रहा होगा तो कम कर दीजिएगा, अगर नहीं फट रहा होगा तो 200% आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैं 200% कर दिया। अब दोस्तों करते क्या हूँ, सबसे पहले मैं अपने वॉइस को थोड़ा सा एडिट भी कर लेता हूँ। अब एडिटिंग करने के लिए क्या करना है, इस वीडियो पर क्लिक करना है, क्लिक करोगे और नीचे आओगे तो देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा EQ का, यहाँ पर EQ पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों इसमें नीचे आना है, नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा R&B का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड ओके कर देता हूँ, ठीक ना। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले इसका साउंड को ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको बताऊँगा तो कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक ना। अब दोस्तों करना क्या है कि देखो मैंने इस वीडियो का अभी कोई फिल्टर यूज नहीं किया है, देखो इस वीडियो में मैंने कोई फिल्टर यूज नहीं किया है, अब मैं आपके सामने फिल्टर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि फिल्टर यूज करने से पहले आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है एंड वो है कि इस नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट का, इस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक ना। अब इसमें आपको सिर्फ दो ऑप्शन का यूज करना है एंड वो दो ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा सेचुरेशन का एंड एक मिलेगा टेम्परेचर का। अब करना क्या है कि जैसे मान लो कि मैं जो सेचुरेशन है ना इसको मैं -6% कर देता हूँ, ठीक ना। अब देखो मैंने सेचुरेशन को -6% किया तो टेम्परेचर को भी -6% ही करना है, ठीक ना। देखो इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पर थोड़ा सा लाइट आ गया, देखो यहाँ पर मेरा तो चेहरा थोड़ा सा गोरा गोरा दिखाई देने लगा, लेकिन अभी भी फिल्टर यूज नहीं किया, अभी फिल्टर यूज करूँगा, ठीक ना। तो सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप एडजस्टमेंट को यूज करना ना तो अपने हिसाब से देख लेना कि आपका फेस पर कैसा दिखाई दे रहा है, अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक ना। अब करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है कि अब मैं इसमें देखो फिल्टर यूज कर रहा हूँ, जो फिल्टर मैं यूज कर रहा हूँ आप भी उस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। सिंपली नीचे आना है, देखो एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, देखो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कोल्ड का, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों कोल्ड पर क्लिक करने के बाद अब एक ऑप्शन मिलेगा C02, देखो यहाँ पर C02 दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे चेहरे का देखो आप लाइट साफ साफ देख सकते हो कितना बढ़ गया। अब करना क्या है, थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ, यहाँ से आप अपने हिसाब से ना जितना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं 40 पर करके सेव कर दिया, अब मेरे चेहरे का क्वालिटी देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल दिखाई दे रहा है, ठीक ना। पहले के टाइम पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले का मेरा फेस कैसे दिखाई दे रहा था एंड अभी के टाइम पर देखिए मैंने एडिटिंग करने के बाद कितना अच्छा फेस दिखाई देने लगा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि मैं कौन सा फिल्टर यूज करता हूँ एंड किस तरीके से एडिट करता हूँ, ठीक ना। अब दोस्तों ये तो हो गया, मैं फिल्टर का यूज कर लिया, लेकिन अब मैं आपको काइनमास्टर का कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूँ, ध्यान समझना।
जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आप इस वीडियो को एडिट करते हैं, ठीक ना। अब जब आपका वीडियो पूरा तरीके से एडिट हो जाएगा तो अब यहाँ पर करना क्या है, जो भी आपको म्यूजिक डालना है तो मान लीजिए कि आप म्यूजिक डाल रहे हैं, तो यहाँ से आप आकर के एंड यहाँ साउंड पर आकर के जो भी आपको म्यूजिक चाहिए यहाँ से आप म्यूजिक को ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन दोस्तों अब जब आप वीडियो आप पूरी तरीके से आपका अगर एडिट हो जाता है, पूरी तरीके से आप इस वीडियो को एडिट कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर आपको सेटिंग क्या करना है ध्यान से देखना है। आपको देखो राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखो नीचे आओगे ना तो ऑडियो वाला में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो फेड इन स्टार्ट प्रोजेक्ट, इसको ऑन कर देना है एंड इसको भी ऑन कर देना है, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, देखो यहाँ पर दोनों को एक एक सेकंड पर रख लेना है। मैं देखो यहाँ पर अगर ये जो मतलब इंड ऑफ प्रोजेक्ट है ना, इसको मैं 2 सेकंड है तो इसको मैं 1 सेकंड कर लेता हूँ, इतना कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ वीडियो है ना, वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी देखो मिलेगा स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इसको भी ऑन कर देना एंड इसको भी ऑन कर देना। अब इसको करना क्या है कि देखो यहाँ पर आपको ना इसको भी 1 सेकंड पर रख लेना है। देखो मैंने 1 सेकंड पर रख लिया। अब देखो इससे क्या होता है, जो वीडियो का आपका स्टार्टिंग होता है ना, देखो ब्लैक स्क्रीन से स्टार्ट होगा, देखो इस तरीके से, ठीक ना। एंड मैं वीडियो को अगर आप दिखा दूँ इधर, देखो अगर जब आपका वीडियो बंद होगा ना तो ऑटोमेटिक इस तरीके से ब्लैक हो जाएगा, ठीक ना। तो ये अगर कर लेते हैं ना तो आपकी एक वीडियो ना काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से दिखने लगती है। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं, ठीक ना। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि आपको मैंने जो भी स्टेप बताया ना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों अगर काइन मास्टर का आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कि मैं पूरा का पूरा अपने वीडियो को एडिट कैसे करता हूँ, ठीक ना। कौन सा इसमें फिल्टर यूज करता हूँ, कौन सा मैं मतलब कि कैसे वीडियो को कट करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट करना, उसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ किस कमाल का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।